वेलकम टू SS डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन नेवी MR के लिए जो करतार पब्लिकेशंस का न्यू एडिशन 2021 में आया है, जिसमें टोटल 34 प्रैक्टिस सेट और 2019 के प्रीवियस क्वेश्चंस को दिया गया है। तो उस बुक में जितने भी GK के क्वेश्चंस हैं, आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। टोटल इस बुक में 875 GK के क्वेश्चन है, जो काफ़ी मोस्ट GK के क्वेश्चन है, जो कई बार नेवी के, चाहे वो SSR का एग्ज़ाम हो, AA का एग्ज़ाम हो और नेवी MR का एग्ज़ाम हो, क्योंकि इन तीनों में जो GK का लेवल होता है बिल्कुल सेम होता है। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण GK के 875 क्वेश्चन है, जो आज के एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए, Part 2 भी आएगा, जिसमें आपको टोटल इस बुक का साइंस का जो क्वेश्चन है, जनरल साइंस का MR के लिए, उसका कलेक्शन दूंगा। लगभग 400+ क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको प्रोवाइड करूंगा। Part 2 रहेगा और Part 3 में आप सभी को मैथ के सभी क्वेश्चंस करा दूंगा। तो जो इंडियन नेवी MR की तैयारी कर रहे हैं, वो चैनल से जुड़े रहिएगा। मैं इस पूरे जो करतार का बुक है, इसका निचोड़ दूंगा अलग अलग पार्ट में। जैसे आज GK के टोटल 875 क्वेश्चन करा रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट में आपको देखिए इंडियन नेवी MR का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है अभी तो फिलहाल, मतलब कोविड की वजह से ऑफलाइन हो रहा है, लेकिन आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन तो आपका मैथ और साइंस का क्वेश्चन रहता है, लगभग 12 से 13 क्वेश्चन साइंस का रहता है और 12 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का रहता है। ये Part 1 में होता है, Part 2 में, और जो कि जो Part 2 आता है, उसमें देखिए 25 क्वेश्चंस आपको जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको टाइमिंग दिया जाता है 30 मिनट का। टाइम बहुत कम रहता है इंडियन नेवी के लिए। देखते हैं फ्रेंड, ये रहा पूरा, मतलब MR का आपको सिलेबस बताया। और देखिए फ्रेंड्स, ये टोटल मैं 105 पेज का PDF है, जिसमें आपको पूरा GK का कलेक्शन देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसमें हम पूरा कंप्लीट करा देंगे आपको GK का क्वेश्चन। यहाँ से आपको देखिएगा, डायरेक्टली एग्जाम में आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे वो SSR का एग्ज़ाम हो, नेवी SSR, AA या MR का। ये लेवल सभी के एग्ज़ाम के लिए रहेगा, और साथ में ये जो क्वेश्चंस है एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए और कोस्ट गार्ड DB के लिए भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट्स रहेगा। तो जो कैंडिडेट कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, वो भी देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड, देरी ना करते हुए एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये जो प्रीवियस क्वेश्चन था, ये 14/3/2019 के क्वेश्चन से, सबसे पहले इसके हम लोग GK के क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1906 में, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर स्थित है। क्वेश्चन 3 देखिए, देश के किस राज्य में सर्वाधिक कोयले का रिजर्व है? तो झारखंड में है। क्वेश्चन 4 देखिए, यो किस देश का से संबंधित रेस्तरा है? तो ये चीन से संबंधित रेस्तरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5, बछेंद्री पाल का संबंध किस क्षेत्र से? तो ये पर्वतारोही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6, असम और मेघालय की संयुक्त पूर्व राजधानी कौन सी थी? तो शिलोंग थी। क्वेश्चन 7 देखिए, पुस्तक आधे अधूरे के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितना होता है? तो 24 फीट होता है। क्वेश्चन 9 देखिए, निम्न में से कौन सा एक राजस्थानी लोक नृत्य है? तो घूमर है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 10 देखिए, निम्न में से किस खिलाड़ी ने 5 विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लिया है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन सही है, एंटोनियो कारबा जाल हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 11, चंडीगढ़ राजधानी है? तो देखिए ये पंजाब का भी है, हरियाणा की है, और जो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, इसका भी राजधानी चंडीगढ़ है, तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्न में से किसमें व्याख्यान के दौरान APJ अब्दुल कलाम की मृत्यु हो गई थी? तो ये IIM शिलोंग में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन देखिए 13, BBB का विस्तार है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे राजा रेड्डी का संबंध किस नृत्य से है? तो कुचिपुड़ी से सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15,
ए नागेश्वर राव का संबंध किस क्षेत्र से, तो फिल्म से है। क्वेश्चन 16 देखिए, IMPS का शब्द विस्तार क्या है, तो इसका हो जाएगा इमीडिएट पेमेंट सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17, महावीर ने अपने प्रवचनों में किस भाषा का प्रयोग किया है, तो अर्ध मगधी भाषा का प्रयोग किया है। क्वेश्चन 18 देखिए, ब्लैक शर्ट आंदोलन किस देश में हुआ, इटली में हुआ था। क्वेश्चन 19 देखिए, बी साई प्रणीत का संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन से है। क्वेश्चन 20 देखिए, भारतीय रेलवे में कितने जोन है, तो अभी वर्तमान में 18 है, ये ऑप्शन गलत है। 21 देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो अभी वर्तमान में वेंकैया नायडू है। 22 देखिए, चंद्रयान का प्रक्षेपण कार्यक्रम किसका है, तो इसरो का है, ऑप्शन 4 सही है। 23 देखिए, ब्रेक्जिट से संबंध देश है, तो ब्रिटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24, जिस टेनिस जोड़ी को इंडो पाक एक्सप्रेस कहा गया था, उसमें भारतीय खिलाड़ी कौन थे, तो रोहन बोपन्ना थे। 25 देखिए, ऐतिहासिक शहर वर्षा किस देश का राजधानी है, तो ये है पोलैंड का। अब देखिए यहाँ से प्रैक्टिस सेशंस स्टार्ट हुआ है, अब यहाँ से मैं टोटल 34 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, जिसमें केवल जीके का लिया हूँ, और पार्ट जल्दी ही आएगा हैंड नोट्स के माध्यम से साइंस का क्वेश्चन, तो उसको भी देखिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब कब हुआ था, तो 1948 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुशीरुल हसन जिसका पिछले दिनों निधन हो गया था, क्या थे वो, इतिहासकार थे। क्वेश्चन 3 देखिए, वर्तमान शिक्षा नीति किस वर्ष लागू हुई थी, तो 1986 में लागू हुई थी। 4 देखिए, मिस यूनिवर्स 2021 निम्न में से किसे चुना गया है, तो एंड्रिया मेजा को चुना गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है करेंट्स के। अब देखिए 5 क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, तो सोनपुर में लगता है, ये कहाँ है, बिहार में। क्वेश्चन 6 देखिए, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कौन है, तो ये है प्रकाश जावेदकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7, हॉकी में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो हॉकी में एक पक्ष में होते हैं 11 खिलाड़ी। क्वेश्चन 8 देखिए, राज्यसभा के अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, तो 250 है। क्वेश्चन 9 देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो है बृहस्पति। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है, तो लिस्बन है। देश का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा है, तो परमवीर चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीना सिंधु का संबंध किस खेल से है, तो शूटिंग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, तभी वर्तमान में प्रमोद सावंत हैं। क्वेश्चन 14 देखिए, ओलंपिक्स खेल कितने वर्षों के बाद आयोजित होता है, तो प्रत्येक 4 वर्षों के बाद होता है। 15 देखिए, पेशवाओं का संबंध किस साम्राज्य से था, तो मराठा साम्राज्य से संबंधित था। क्वेश्चन 16 देखिए, अमर कोश की रचना किसने किया था, अमर सिंह ने किया था। क्वेश्चन 17 देखिए, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, जकार्ता है। क्वेश्चन 18 देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था, 1878 में लागू हुआ था। 19 देखिए, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में। 20 देखिए, प्रथम भारतीय अंटार्कटिका अभियान दल कब भेजा गया था, तो 6 दिसंबर 1981 में। क्वेश्चन 21 देखिए, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुई, तो दार्जिलिंग में। क्वेश्चन 22 देखिए, अमेरिकी संघ का 50वां राज्य बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने अलास्का किस देश से खरीदा था, तो रूस से खरीदा था अलास्का को। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, सांभर लवण झील स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन 24 देखिए, किस क्षेत्र के लिए बुकर पुरस्कार दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25, किस नदी पर नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, ब्लैक पर्ल के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है, पहले को जाना जाता है। क्वेश्चन 2 देखिए, मुगले आजम किनकी फिल्म थी, तो ये के आशिफ की थी। क्वेश्चन 3 देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है, अमित शाह हैं। क्वेश्चन 4 देखिए,
टेनिस में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की संख्या कितना है? चार है। क्वेश्चन फाइव देखिए, भागवत गीता संस्कृत की रचयिता कौन है? तो वेद व्यास है। क्वेश्चन सिक्स देखिए, कल्पना चावला भारत के किस राज्य की मूल निवासी है? हरियाणा की है। क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो जलालुद्दीन खिलजी थे। क्वेश्चन देखिए एट, गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य कहाँ होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर होता है और ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए, पिरामिड किस देश में है? मिस्र में है। टेंथ देखिए, करुण नायर किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। इलेवन देखिए, जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम क्या था? तो मोतीलाल नेहरू था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ट्वेल्व, बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितना है? 243 है। थर्टीन देखिए, रजिया सुल्तान किस वंश की शासिका थी? गुलाम वंश की शासिका थी। क्वेश्चन फोर्टीन देखिए, काम अधिक बातें कम यह किसका नारा था? तो संजय गांधी का नारा था। क्वेश्चन फिफ्टीन देखिए, कंगारू निम्न में से किसका प्रतीक चिन्ह है? ऑस्ट्रेलिया का है। सिक्सटीन देखिए, चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेवनटीन, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे। एटीन देखिए, कौन बनेगा करोड़पति किस चैनल पर प्रारंभ हुआ था? स्टार प्लस पर प्रारंभ हुआ था। नाइनटीन देखिए, अकबरनामा के रचयिता कौन है? अबुल फजल है। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखिए, अम्ल में कौन सा तत्व रहता है? हाइड्रोजन रहता है। ट्वेंटी वन देखिए, तानसेन सम्मान किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो गायन क्षेत्र के लिए दिया जाता है। ट्वेंटी टू देखिए, रूस की मुद्रा क्या है? रूबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री द्वारा यहाँ पे राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो ये आयु होना चाहिए 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24, कोक में होता है, कोक में क्या होता है? कार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25, एफिल टावर किस शहर में स्थित है? तो पेरिस में स्थित है। अब देखिए नेक्स्ट सेट के फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का गठन हुआ है? तो 69वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का गठन हुआ है। क्वेश्चन सेकंड देखिए, आगरा स्थित इतमादुद्दौला फोर्ट किसने बनवाया था? तो ये नूरजहां ने बनवाया था। क्वेश्चन थर्ड देखिए, पत्थर की मस्जिद पटना का निर्माण किसने कराया था? तो परवेज शाह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्थ, तीसरे चुनाव आयुक्त कौन थे? तो देखिए तीसरे चुनाव आयुक्त थे एस पी सेन वर्मा, और देखिए प्रथम थे सुकुमार सेन। अभी वर्तमान में कौन है जी? सुशील चंद्रा जो है चुनाव आयुक्त है। क्वेश्चन फाइव देखें, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुआ है? तो 1948 में। क्वेश्चन सिक्स देखें, प्रथम मुगल बादशाह कौन थे? तो बाबर थे। क्वेश्चन सेवन देखें, देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो थी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। क्वेश्चन नाइन देखिए, नेत्रहीनों की लिपि किसने तैयार किया था? तो लुई ब्रेल ने तैयार किया था। क्वेश्चन टेन देखिए, टेलीफोन का आविष्कार किसने कराया था? तो ग्राहम बेल ने कराया था। क्वेश्चन इलेवन देखिए, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार देश की महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो ये 65.46% थी। क्वेश्चन ट्वेल्व देखिए, राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13, कह रहा है किस वर्तमान देश का नाम पहले मेसोपोटामिया था? तो इराक का था। 14 देखिए, किस राज्य की मेहंदी सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो राजस्थान की जो मेहंदी है काफ़ी लोकप्रिय है। 15 देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो वर्तमान में बोरिस जॉनसन है। 16 देखिए, अभरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है भारत का। 17 देखिए, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सी लड़ी गई थी? तो ये पानीपत की प्रथम लड़ाई हुआ था 1526 में। देखिए पानीपत के तीन लड़ाई हुआ था, एक तो 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761, ये तीनों याद रखिएगा। 18 देखिए, निम्न में से कौन देश का मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रहा है? तो देखिए ऑप्शन ये विनोद जो राय हैं ये नहीं रहे हैं, जबकि टीएन सेशन, एमएस गिल, लिंग दो ये सभी रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। 19 देखिए, मलाया किस वर्तमान देश के पुराना नाम है? तो ये मलेशिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20,
देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी। क्वेश्चन 21 देखिए, रग्बी फुटबॉल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 15 खिलाड़ी होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, देश के वे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने सियाचिन की यात्रा किया था? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। क्वेश्चन 23 देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की स्थापना किसने किया था? तो धीरू भाई अंबानी ने किया था। क्वेश्चन 24 देखिए, वर्ष 2020 का ओलंपिक्स खेल किस शहर में आयोजित होगा? तो देखिए अभी ये 2021 में होगा, टोक्यो जापान में, कोविड की वजह से। 25 देखिए, रेडियन का आविष्कार किसने किया था? तो मैडम एवं पीरी क्यूरी ने किया है रेडियम का आविष्कार। अब देखिए नेक्स्ट सेट का फर्स्ट क्वेश्चन, पिन का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है, तो पोस्टल इंडेक्स नंबर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। क्वेश्चन थर्ड देखिए, बिल क्लिंटन किस देश के राष्ट्रपति थे? अमेरिका के थे। क्वेश्चन फोर्थ देखिए, ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? टेनिस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन फाइव देखिए, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो तेलुगु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स नौसेना के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो एडमिरल कहा जाता है। क्वेश्चन सेवन देखिए, देश का पहला आम चुनाव किस वर्ष संपन्न हुआ था? 1952 में संपन्न हुआ था। एट देखिए, कर्क रेखा कितने डिग्री पर स्थित है? तो 23.5 डिग्री पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ देखिए, कह रहा है यूरेनियम की परमाणु संख्या कितना होता है? तो 92 होता है। टेंथ देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 है। 11 देखिए, बिलियर्ड्स किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1939 में प्रारंभ हुआ था और 45 तक चला था। और देखिए प्रथम युद्ध जो शुरुआत हुआ था 1914 से 1918 तक चला था। 13 देखिए, यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो शेर है। 14 देखिए, सोरा किस देश के संसद का नाम है? अफगानिस्तान के संसद का नाम है। 15 देखिए, मझगांव डाक किस शहर में स्थित है? मुंबई में स्थित है। 16 देखिए, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। 17 देखिए, एलएनजी का शब्द विस्तार क्या है? लिक्विडफाइड नेचुरल गैस हो जाएगा इसका फुल फॉर्म एलएनजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 कोई वित्तीय वर्ष किस तारीख को प्रारंभ होता है? 1 अप्रैल को प्रारंभ होता है। 19 देखिए, पोप का निवास स्थान किस देश में है? वेटिकन सिटी में है। 20 क्वेश्चन देखिए, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था? 1945 में बना था। 21 देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 में हुआ था इसरो का स्थापना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22, मजलिस किस देश के संसद का नाम है? ईरान के संसद का नाम है। 23 देखिए, प्रकाशीय तीव्रता की इकाई क्या होता है? कैंडेला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24, जगजीवन राम की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? समता स्थल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25, च्युइंगम किस पेड़ की गोंद से बनता है? चीकू पेड़ की गोंद से बनता है च्युइंगम। अब देखिए नेक्स्ट सेट के फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री बनी थी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2, अल्जीरिया की राजधानी कहाँ है? अल्जीरियस हो जाएगा। 3 देखिए, अमेरिका के संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4, ऑस्ट्रिया किस महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप में। 5 देखिए, 67वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो मनोज बाजपेयी को मिला है। अभी वर्तमान में 2021 में 67वां राष्ट्रीय फिल्म समारोह हुआ था, और जो फिल्म को मिला है बेस्ट फिल्म को हिंदी फिल्म में, छिछोरा मूवी को मिला है, जिसमें ये सुशांत सिंह राजपूत के इसमें लास्ट ये मूवी था। और एक्ट्रेस जो एक्ट्रेस है वो है कंगना रनौत, उन्हें मिला है पुरस्कार। 6 देखिए, मुस्लिम लीग किस वर्ष मुक्ति दिवस मनाया जाता है? तो देखिए मुक्ति दिवस मनाया जाता है 1939 में, इसकी स्थापना हुआ था 1906 में। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में हुआ था। 7 देखिए, क्रिकेट के नियमों में परिवर्तन के बाद प्रथम बार किसे 12वां खिलाड़ी को टीम में लिया गया है? तो विक्रम सोलंकी को लिया गया है। 8 देखिए, किंग लियर किन की रचना है? शेक्सपियर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9,
नील नदी किस महादेश में बहती है? अफ्रीका महादेश में बहती है। क्वेश्चन 10 देखिए, किस वर्तमान देश का पुराना नाम पूर्वी पाकिस्तान था? तो बांग्लादेश का पुराना नाम पूर्वी पाकिस्तान था। क्वेश्चन 11 देखिए, कायदे आजम के नाम से कौन मशहूर थे? तो ये मोहम्मद अली जीना मशहूर थे। 12 देखिए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो कैनबरा है। 13 देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। क्वेश्चन 14 देखिए, घासीराम कोतवाल किनकी रचना है? तो ये विजय तेंदुलकर की रचना है। 15 देखिए, राष्ट्र इस वर्ष कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ मना रहा है? तो देखिए अभी तो 22वां मना रहा है 2021 में। इस मान लेते अब बात करते हैं कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया था, तो 26 अप्रैल 1999 में मनाया गया था। 16 देखिए, राज्यसभा कितने वर्षों बाद भंग होता है? तो देखिए ये कभी भी भंग नहीं होता है। 17 देखिए, हिंद महासागर का महासागरों की सूची में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। अब बताइए प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर प्रशांत महासागर है, दूसरा पर अटलांटिक महासागर है, और तीसरा पर तो है ये हिंद महासागर, और चौथा पर है आर्कटिक महासागर। ये सभी याद रखिएगा। 18 देखिए, वाटरगेट स्कैंडल में किस अमेरिकी राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा था? तो ये रिचर्ड निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा था। 19 देखिए, ऑल इज वेल डैट इंड्स वेल किसकी रचना है? शेक्सपियर की रचना है। 20 देखिए, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किसके उत्पादन से है? तो दूध उत्पादन से संबंधित है। 21 देखिए, ओजोन परत किन हानिकारक किरणों का अवशोषण करता है? तो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 कार्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। क्वेश्चन 23 देखिए, मतदान करने के लिए किसी मतदाता की न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 18 वर्ष होना चाहिए। 24 देखिए, किस महादेश को बर्फ का महाद्वीप कहा जाता है? अंटार्कटिका को, जो ये महादेश को बर्फ का महाद्वीप कहा जाता है। 25 देखिए, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म का संबंध जो है, तो ये त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब देखिए नेक्स्ट शिफ्ट के जो नेक्स्ट सेट है उसके फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइवान में प्रयुक्त ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? नारंगी रंग का होता है। क्वेश्चन 2 देखिए, सी डॉट का शब्द विस्तार क्या है, यानी फुल फॉर्म पूछा गया है? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 स्वतंत्रता के पहले कितनी महिलाएं कांग्रेस की अध्यक्ष हुई? तो 3 अध्यक्ष हुई थी। क्वेश्चन देखिए, 4 एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1966 में हुआ था। क्वेश्चन 5 देखिए, देश के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे तो वह है नीलम संजीव रेड्डी। 6 देखिए, सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? तो जहांगीर के दरबार में आए थे सर टॉमस रो। 7 देखिए, बेस्ट बेकरी कांड किस राज्य में हुआ था? तो गुजरात राज्य में हुआ था। क्वेश्चन 8 देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। 9 देखिए, मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन 10 देखिए, किस पूर्व नौसेना अध्यक्ष को वर्ष 2004 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो एडमिरल रामदास को सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन 11 देखिए, सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि है। क्वेश्चन 12 देखिए, कन्फ्यूशियस का वास्तविक नाम क्या था? किंग फू सू था। 13 देखिए, ताराली शर्मा का संबंध किस क्षेत्र से? तो ये पार्श्व गायन से संबंधित है। 14 देखिए, साना माचा चानू का संबंध किस खेल से है? तो भारोत्तोलन से संबंधित है। 15 देखिए, भरतपुर पक्षी विहार किस राज्य में है? तो राजस्थान में स्थित है भरतपुर पक्षी विहार। 16 देखिए, म्यांमार किस देश का नया नाम है? तो बर्मा का नया नाम है म्यांमार। 17 देखिए, ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? रिंग्स होते हैं, 5 रिंग्स होते हैं। 18 देखिए, उजला कोयला विद्युत के किस रूप को कहा जाता है? तो जल विद्युत के रूप को कहा जाता है। 19 देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का किस वर्ष राष्ट्रीयकरण किया गया था?
तो देखिए 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था, इसकी स्थापना 1935 में हुआ था। 20 देखिए चिनूक पवन किस पर्वतमाला से चलती है, तो रॉकी पर्वतमाला से चलती है चिनूक पवन। क्वेश्चन देखिए 21 देश के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, तो बीबी गिरी थे। क्वेश्चन 22 देखिए गौतम बुद्ध के पिता सुदोधन किस वंश के राजा थे, तो शाक्य वंश के राजा थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है, एड्रिनल जो हार्मोन होता है लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। 24 देखिए केंद्रीय विदेश मंत्री कौन है, तो एस जयशंकर हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, इसकी दो राजधानी है, एक ग्रीष्मकालीन राजधानी और एक शीतकालीन राजधानी। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में दोनों बताइएगा कि कौन कौन सा है, ठीक है, ये अप टू डेटेड है, आप लोग जरूर कमेंट्स कीजिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए ये नेक्स्ट सेट के फर्स्ट क्वेश्चन, जब चींटियाँ काटती है तो कौन सा अम्ल अंतक्षेपित करती है, तो फॉर्मिक अम्ल अंतक्षेपित करती है। क्वेश्चन सेकंड देखिए पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। थर्ड देखिए राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे है, तो किसी को भी नहीं है, इसे भंग नहीं किया जाता है राज्यसभा को। फोर्थ देखिए कार का आविष्कार कौन थे, आविष्कारक कौन थे, तो हेनरी फोर्ड थे। क्वेश्चन 5 देखिए यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस है। क्वेश्चन 6 देखिए शेरशाह की मृत्यु कहाँ हुआ था, कालिंजर में हुआ था। क्वेश्चन 7 देखिए पाकिस्तान की सीमा से भारत के कितने राज सटे हुए हैं, तो 3 राज सटे हुए हैं पाकिस्तान की सीमा से। क्वेश्चन 8 देखिए कह रहा है अजरबैजान का बाकू क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो पेट्रोलियम खनिज के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 9 देखिए विश्व चर्चित फिल्म लॉर्ड ऑफ द रिंग रिटर्न ऑफ ए किंग के निर्देशक कौन है, तो पीटर जैक्सन है। क्वेश्चन 10 देखिए श्री राम झा का संबंध किस खेल से है, शतरंज से संबंधित है। 11 देखिए समाचार पत्र पंजाब केसरी किस भाषा में निकलती है, तो ये हिंदी भाषा में निकलती है पंजाब केसरी। 12 देखिए शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। 13 देखिए फ्रेंच ओपन टेनिस 2021 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन भी इन्होंने जीता है, तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये जितने भी 2021 तक मैं अपटूडेटेड कर दिया हूँ करेंट्स के क्वेश्चंस को। 14 देखिए जो व्यक्ति सांसद नहीं है वह केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने माह तक के मंत्री रह सकता है, तो 6 माह तक मंत्री रह सकता है। 15 देखिए झारखंड में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो 6 सदस्य चुने जाते हैं राज्यसभा के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कह रहा है यहाँ पे गुलजारी लाल नंदा कितने बार देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं, तो 2 बार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 निजामुद्दीन औलिया किसके शासनकाल में दिल्ली में बस गए, तो अकबर के शासनकाल में बस गए थे। क्वेश्चन 18 देखिए बाबर के उस सेनापति का क्या नाम था जिसने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था, तो उसका नाम था मीर बाकी। क्वेश्चन देखिए 19 राय उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो 35 वर्ष होना चाहिए। क्वेश्चन 20 देखिए ध्वस्त हुए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जगह निम्न में से किसका निर्माण हुआ है, तो देखिए फ्रीडम टावर का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन 21 देखिए रियो ओलंपिक्स 2016 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है, अमेरिका ने जीता है। क्वेश्चन 22 देखिए कुलदीप नायर का संबंध किस क्षेत्र से है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र से है। क्वेश्चन देखिए 23 गोस्वामी तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे, तो अकबर के समकालीन थे। क्वेश्चन 24 देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। 25 देखिए जनगणना 2011 के अनुसार देश में हिंदुओं की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 80.5% है। देखिए अब ये नेक्स्ट सेट के फर्स्ट क्वेश्चन, वियतनाम की राजधानी क्या है, तो हनोई आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड देखिए भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1986 में पारित हुआ था। क्वेश्चन थर्ड देखिए कौन सा द्वीप मोतियों का द्वीप कहा जाता है, तो केप टाउन को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन फोर्थ देखिए जर्मनी और पोलैंड को कौन सी सीमा रेखा विभाजित करती है, तो वो सीमा रेखा है ऑर्डिनस रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
5. भारत में मुगल वंश की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1526 में हुआ था। क्वेश्चन 6 देखिए, मोनालिसा किसकी कृति है? तो लियोनार्डो द विंची की ये कृति है मोनालिसा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। बार बार पूछा जाता है कहाँ पर हुआ था, नेपाल में, और 563 BC में हुआ था। क्वेश्चन 8 देखें, कौन सा शहर 3 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी है? तो है चंडीगढ़। क्वेश्चन 9 देखिए, पपीता में मुख्यतः कौन सी विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। क्वेश्चन 10 देखिए, बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? पटना विश्वविद्यालय था। क्वेश्चन 11 देखिए, पोशरिया शेक्सपियर के किस प्रसिद्ध नाटक के पात्र है? तो मर्चेंट ऑफ वेनिस के पात्र हैं। क्वेश्चन 12 देखिए, सिटियस अल्टियस और फोर्टियस किसका आदर्श वाक्य है? तो ओलंपिक्स खेल का वाक्य है। 13 देखिए, प्रथम भारतीय सिनेमा स्कोप फिल्म कौन सी थी? तो वो थी कागज की फूल। अगर बात करते हैं कि पहली बोलती फिल्म कौन था, आलम आरा था, 1931 में ये आया था मूवी। और ऐसा था कि बिना बोलता मूक फिल्म कौन सा था प्रथम? तो राजा हरिश्चंद्र था। 14 देखें, महान रचनाकार W.A. Mozart किस देश के निवासी हैं? ऑस्ट्रिया देश के निवासी हैं। 15 देखें, शाह अब्दुल अजीज पदक किस देश के सर्वोच्च सम्मान है? सऊदी अरब के सर्वोच्च सम्मान है। 16 देखें, बहुचर्चित स्थान हुबली किस राज्य में है? कर्नाटक में है। क्वेश्चन 17 देखें, अमजद अली खान किस वाद से संबंधित है? सरोद वादक से संबंधित है। क्वेश्चन 18 देखिए, रूस की मुद्रा क्या है? तो रूबल है। क्वेश्चन 19 देखिए, सूर्य की रोशनी में हमें कौन सी विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है। क्वेश्चन 20 देखिए, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी थे। क्वेश्चन 21 देखिए, पहले भारतीय युवती जो मिस वर्ल्ड बनी थी वह थी? तो मिस वर्ल्ड बनी थी रीता फारिया, और मिस यूनिवर्स प्रथम मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन थी। 22 देखे, विश्व कप फुटबॉल 2018 का आयोजक देश कौन सा था? तो रूस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 मेघदूत की रचना किसने किया था? कालिदास ने किया था। क्वेश्चन 24 देखे, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहाँ है? तो भोपाल में है। क्वेश्चन 25 देखे, एड्स वायरस HTLV-3 के खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट गैलो ने किया था। अब नेक्स्ट सेट के फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 67वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार किसे मिला है 2021 में? तो बी प्रैक को मिला है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, थाईलैंड का पुराना नाम क्या है? तो सियाम है। थर्ड देखिए, दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बना था? 1912 में बना था, 11 में घोषणा हुआ था और 12 में पूर्ण रूप से बन गया था। फोर्थ देखिए, कलिंग पुरस्कार किस विषय को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है? तो ये कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन देखिए 5, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार देश की पुरुष की साक्षरता दर कितना है? तो 82.14% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6, छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग होकर बना है, अलग किया गया है? तो मध्य प्रदेश से अलग किया गया। 7 देखिए, बेगम खालिदा जिया का संबंध किस देश से है? बांग्लादेश से संबंधित है। 8 देखिए, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में अभी ममता बनर्जी है, 2021 तक अप टू डेट है सभी ये। 9 देखिए, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन 10 देखिए, किसके राष्ट्र पतित्व काल में सोवियत संघ का विघटन हुआ था? तो मिखाइल गोरबाचो के शासनकाल में ये सोवियत संघ का विघटन हुआ था। क्वेश्चन 11 देखिए, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एड्स हो जाता है, आप सभी जानते हैं। 12 देखिए, जाफना प्रायद्वीप किस देश में स्थित है? श्रीलंका देश में स्थित है। क्वेश्चन 13 देखिए, हुस्नी मुबारका का संबंध किस देश से था? मिस्र देश से था। क्वेश्चन 14 देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो 4th भाग में है। 15 देखिए, सर टोमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? जहांगीर के शासनकाल में आए थे। 16 देखिए, स्नूकर में कुल कितने गेंदों का प्रयोग होता है? 22 गेंदों का प्रयोग होता है। 17 देखिए, प्रथम विश्व महिला सम्मेलन 1975 में किस शहर में आयोजित हुआ था? मैक्सिको सिटी में हुआ था।
क्वेश्चन 18 देखिए, दुनिया का प्रथम तेल कुआं 1859 में अमेरिका के किस स्थान पर खोदा गया था? तो ये खोजा गया था पेंसिल्वानिया में खोजा गया था। 19 देखिए, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20, जलियांवाला बाग में गोली किसने चलवाया था? जनरल डायर ने चलवाया था। 21 देखिए, डॉली नाम से किस जानवर का क्लोन तैयार किया गया था? तो भेड़ को क्लोन तैयार किया गया था, उस भेड़ का नाम था डॉली। 22 देखिए, विद्यापति किस भाषा के कवि थे? मैथिली के कवि थे। 23 देखिए, विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाला सबसे बड़ा देश कौन है? अमेरिका है। 24 देखिए, दीन बंधु के नाम से किन्हें जानते हैं? तो C.F. एंड्रयूज को जानते हैं। 25 देखिए, किसी वाहन के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट सेट का फर्स्ट क्वेश्चन, पोप बेनेडिक्ट यहाँ पर 16वां किस देश के हैं? तो ये हैं जर्मनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोचिन किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है, ऑप्शन 4 सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, चट्टगांव किस देश का बड़ा बंदरगाह है? तो बांग्लादेश का है। क्वेश्चन 4 देखिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर है तो 9.46 × 10^15 मीटर के बराबर है। अब देखिए नेक्स्ट 5, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। 6 देखिए, बिल क्लिंटन किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। 7 देखिए, एफिल टावर किस शहर में स्थित है? पेरिस में है। क्वेश्चन 8 देखिए, जमशेदपुर किस देश के किनारे बसा है? स्वर्ण रेखा के किनारे बसा है। 9 देखिए, उर्दू कविता का जनक किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है उर्दू कविता का जनक। 10 देखिए, मोतियाबिंद से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आँख प्रभावित होता है। 11 देखिए, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12, कलिंग युद्ध के बाद किस राजा ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था? तो ये अशोक ने स्वीकार कर लिया था। 13 देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर लगाती है? तो 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। 14 देखिए, डल लेक यानी झील किस शहर में स्थित है? श्रीनगर में स्थित है। 15 देखिए, निकोलस कोपरनिकस किस देश के थे? पोलैंड के थे। क्वेश्चन 16 देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। 17 देखिए, कह रहा है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? तो इमरान खान है। क्वेश्चन 18 देखिए, स्टॉव स्मिथ का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। क्वेश्चन 19 देखिए, किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। 20 देखिए, बाबा नागा अर्जुन का संबंध किस क्षेत्र से? साहित्य से है। क्वेश्चन 21 देखिए, 21वें राष्ट्रमंडल खेल का कहाँ आयोजित हुए थे? तो ये गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन 22 देखिए, तपेदिक किस देश का एक अन्य नाम है? तो ये टीबी का एक अन्य नाम है। 23 देखिए, प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? अमृतसर में स्थित है। 24 देखिए, जापान की संसद का नाम क्या है? तो डाइट है। 25 देखिए, शेर शाह का वास्तविक नाम क्या है? तो फरीद खां है। अब देखिए नेक्स्ट सेट के फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, समाचार पत्र डॉन किस देश से प्रकाशित होता है? पाकिस्तान से प्रकाशित होता है। 2 देखिए, कैथोड किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो ऋणात्मक आवेश होता है। 3 देखिए, फोर्ब्स नामक पत्रिका ने किस भारतीय उद्योगपति को देश का सबसे धनी व्यक्ति घोषित किया है? तो मुकेश अंबानी को सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया है। 4 देखिए, किस देश की सीमाएं सर्वाधिक देशों को छूती है? तो चाइना की देश की सीमाएं सर्वाधिक देशों को छूती है। 5 देखिए, UC बनर्जी का संबंध किसकी जांच से है? तो गोधरा कांड के जांच से संबंधित है। 6 देखिए, वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो घुड़सवारी से है। क्वेश्चन 7 देखिए, मैन बुकर पुरस्कार 2018 किसे दिया गया था? एना वर्ज को दिया गया था, मिल्कमैन एक उनका बुक आया था उसके लिए। किसी हाई कोर्ट का प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो देखिए यहाँ पर कौन आप बताइएगा इसका आंसर्स क्या होगा, ठीक है, ये आपके लिए है। 9 देखिए, अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को गिराया था। एक और गिराया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, 9 अगस्त 1945, 10 अगस्त 1945, 11 अगस्त 1945, 12 अगस्त 1945, आप लोग बताइएगा कमेंट करके दूसरा कब गिराया गया था।
टेन देखिए, डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे बसा है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। इलेवन देखिए, फ्लोरिकल्चर का संबंध किसके अध्ययन से है, पुष्पों के अध्ययन से है। ट्वेल्व देखिए, अंतरा किस देश का समाचार एजेंसी है, इंडोनेशिया का ये समाचार एजेंसी है। थर्टीन देखिए, जेसस ऑफ जॉर्जरेथ नाम से प्रसिद्ध वह कौन सा शहर है जहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो वो है जुड़िया। कौन सा शहर, जुड़िया शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14, दीन मलार नामक समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता है, तमिल भाषा में प्रकाशित होता है। 15 देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी, आशा पूर्णा देवी थी। क्वेश्चन 16 देखिए, पार्सेलेन टावर किस शहर में स्थित है, नानकिंग में स्थित है। क्वेश्चन 17 देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक स्टडी एंड रिसर्च कहाँ स्थित है, जामनगर में स्थित है। क्वेश्चन 18 देखिए, इंदिरा द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी के लेखक कौन है, तो ये है कैथरीन फ्रैंक। 19 देखिए, स्पेन का राष्ट्रीय प्रतीक चील हो जाएगा। 20 देखिए, पिछले दिनों हाइसिस नामक उपग्रह किस रॉकेट से छोड़ा गया था, तो PSLV C-43 से छोड़ा गया था। 21 देखिए, फ्लिक शब्द का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट से है। 22 देखिए, मदर टेरेसा के बाद मिशनरी ऑफ चैरिटी के प्रमुख कौन बनी, तो सिस्टर निर्मला बनी थी। 23 देखिए, वर्ष 2018 में सर्वाधिक पूंजी निवेश किस देश किस राज्य में हुआ था, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हुआ था। 24 देखिए, अशरफ घानी किस देश के राष्ट्रपति हैं, अफगानिस्तान के हैं। 25 देखिए, दिल्ली के अतिरिक्त किस केंद्रशासित प्रदेश की अपनी विधानसभा है, तो पुडुचेरी की है। अब देखिए नेक्स्ट सेट के फर्स्ट क्वेश्चन, गोदान पुस्तक के लेखक कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। सेकंड देखिए, चीन के प्रधानमंत्री कौन है, तो ली कैकी व्यांग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड, 24 जनवरी 2019 को PSLV C-44 का कौन सा उपग्रह छोड़ा गया है, तो कलाम सेट छोड़ा गया है। फोर्थ देखिए, देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है, आसाम राइफल है। क्वेश्चन 5 देखिए, पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना का संबंध किस देश से है, अर्जेंटीना देश से संबंधित है। 6 देखिए, मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, बोधगया में स्थित है। क्वेश्चन 7 देखिए, भारत में कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये भी याद रखिएगा। 8 देखिए, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो निशाने ए पाकिस्तान हो जाएगा। क्वेश्चन 9 देखिए, कुमार संभवम की रचयिता कौन है, कालिदास हैं। क्वेश्चन 10 देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, लंदन में है। क्वेश्चन 11 देखिए, परमवीर चक्र के बाद सबसे बड़ा सौर पुरस्कार कौन सा है, तो महावीर चक्र है। 12 देखिए, अंडमान एवं निकोबार की राजधानी कहाँ है, तो पोर्ट ब्लेयर है। 13 देखिए, मधुशाला किसकी रचना है, हरिवंश राय वचन की है। 14 देखिए, किस राज्य के विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर कौन है, किसी राज्य के विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर कौन होते हैं, ये है तो राज्यपाल होते हैं। 15 देखिए, मारिया सारापोवा किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं, रूस की टेनिस प्लेयर हैं। 16 देखिए, मिस यूनिवर्स जीतने वाली अंतिम भारतीय सुंदरी कौन थी, तो ये है लारा दत्ता, और प्रथम मिस यूनिवर्स बनी थी सुष्मिता सेन, याद रखिएगा ये भी। 17 युद्धक विमान जगुआरा का निर्माता देश कौन सा था, तो यूनाइटेड किंगडम था जगुआरा का। 18 देखिए, वायुसेना अध्यक्ष को क्या कहते हैं, एयर चीफ मार्शल कहते हैं। 19 देखिए, फिल्म मंगल पांडे में मंगल पांडे की भूमिका किसने निभाया था, आमिर खान ने निभाया था। 20 देखिए, राष्ट्रमंडल खेल भारत में किस वर्ष आयोजित हुआ था, तो ये 2010 में आयोजित हुआ था। 21 देखिए, सरक्रिक विवाद किन दो देशों से संबंधित है, भारत पाकिस्तान से संबंधित है। 22 देखिए, बुद्ध चरितम के लेखक कौन है, अश्व घोष है। 23 देखिए, LIC शब्द का विस्तार क्या है, फुल फॉर्म है इसका, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हो जाएगा। 24 देखिए, मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल हो जाएगा। 25 देखिए, सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सेट के फर्स्ट क्वेश्चन, ऊन जो होता है किस जानवर के बाल से बनता है, भेड़ के बाल से बनता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सेकंड देखिए, गोवा का राजकीय भाषा क्या है, कोंकणी है। थर्ड देखिए, घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। फोर्थ देखिए, चावल उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श है, जलोढ़ मिट्टी, ये अच्छा है। 5 देखिए, दास कैपिटल के लेखक कौन है, कार्ल मार्क्स हैं। 6 देखिए, लासित मलिंगा का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट से है।
सेवन देखिए हल्दिया किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एट मिजोरम की राजधानी कहाँ है, आइजोल हो जाएगा। नाइन देखिए बीसीसीआई का शब्द विस्तार क्या है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया हो जाएगा। टेन देखिए एक एक्वेटिक्स किस खेल का एक अन्य नाम है, तैराकी का एक अन्य नाम है। एलेवन देखिए कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। ट्वेल्व देखिए सनिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है, टेनिस से है। क्वेश्चन थर्टीन देखिए ओडिशा का राजकीय भाषा क्या है, उड़िया है। क्वेश्चन फोर्टीन देखिए लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है, लाल रंग का होता है लेटराइट मिट्टी। फिफ्टीन देखिए बछेंद्री पाल का संबंध पर्वतारोहण से है। सिक्सटीन देखिए राष्ट्रपति का उम्मीदवार के लिए कितनी न्यूनतम उम्र निर्धारित है, 35 वर्ष निर्धारित है। सेवनटीन देखिए वैलेंटाइन डे किस तारीख को मनाया जाता है, 14 फरवरी को मनाया जाता है। एटीन देखिए संविधान के किस अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का नाम अंकित है, तो किस अनुसूची में, तो प्रथम अनुसूची में वर्णित है। 19 देखिए माउंट गेटू की ऊंचाई कितना है, तो 8611 मीटर है। 20 देखिए चीन की मुद्रा क्या है, तो देखिए अभी वर्तमान में ये रेनमिनबी है, ये बार बार पूछा जाता है, नेवी के कई बार पूछा गया है, मतलब हमारे ख्याल से अब तक लगभग 12 बार ही पूछा गया है जब तक से, मतलब इस टाइम हर बार यही पूछता है। 21 देखिए स्वीडन किस महादेश में है, यूरोप महादेश में स्थित है। अजीम प्रेम जी किस कंपनी के प्रमुख है, विप्रो कंपनी के प्रमुख है। 23 देखिए संविधान के दूसरे भाग में किसका चर्चा है, नागरिकता की चर्चा है। 24 देखिए कपास उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श है, काली मिट्टी आदर्श अच्छा है। 25 देखिए प्रिंस चार्ल्स किस देश के राजकुमार है, तो ये ब्रिटेन के राजकुमार है प्रिंस चार्ल्स। अब देखिए नेक्स्ट सेट के फर्स्ट क्वेश्चन, हिमालय हमें किस ओर से आने वाली ठंडी हवाओं को बचाता है, तो उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं से बचाता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटेन कप किस खेल से संबंधित है, हॉकी खेल से संबंधित है। थर्ड देखिए एमएफ हुसैन का संबंध किस क्षेत्र से, पेंटिंग से है। क्वेश्चन फोर देखिए बेरूत किस देश की राजधानी है, तो लेबनान की राजधानी है। क्वेश्चन फाइव देखिए किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ऊंट को कहा जाता है। क्वेश्चन सिक्स देखिए सहारा समूह के प्रमुख कौन है, सुब्रत राय हैं। सेवन देखिए अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है, 19वां अनुच्छेद में है। एट देखिए लाल मिट्टी के किस धातु का ऑक्साइड अधिक मात्रा में पाया जाता है, लाल मिट्टी के किस धातु का, तो लोहा धातु का ऑक्साइड अधिक मात्रा में पाया जाता है। नाइन देखिए सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है, तो आप सभी जानते हैं बुध है। टेन देखिए इनामेल शरीर के किस भाग में पाया जाता है, इनामेल जो होता है दांत में पाया जाता है। इलेवन देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर घूमती है, 24 घंटा में एक चक्कर घूम लेती है। ट्वेल्व देखिए सम्राट अशोक किस वंश के शासक थे, मौर्य वंश के शासक थे। थर्टीन देखिए बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। फोर्टीन देखिए घड़ियाल किस वर्ग के जंतु है, सरीसृप वर्ग के जंतु है। फिफ्टीन देखिए कौन सी मिट्टी ज्वालामुखी के लावा से बनी है, कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी आंसर हो जाएगा। अमेरिका का खोज किसने किया था, तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। 17 देखिए प्रसिद्ध पुस्तक एसुटुबेल बॉय के लेखक कौन है, तो विक्रम सेठ हो जाएगा। 18 देखिए उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन 19 देखिए श्रीनगर से पाक अधिकृत कश्मीर के किस शहर तक बस सेवा चलती है, तो मुजफ्फराबाद तक चलता है। श्रीनगर से पाक अधिकृत कश्मीर के किस शहर तक, तो मुजफ्फराबाद तक चलता है। 20 देखिए ये दिल मांगे मोर किस उत्पाद का प्रचार है, तो पेप्सी का प्रचार है। 21 देखिए मैकबेथ के लेखक कौन है, तो विलियम शेक्सपियर हैं। 22 देखिए जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है, फर्स्ट पर चाइना है। 23 देखिए दुनिया का सबसे अधिक किस धर्म के मानने वाले हैं, ईसाई धर्म के मानने वाले लोग हैं। 24 देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं उनके प्रधानमंत्री कौन थे, तो चाणक्य थे। नेक्स्ट देखिए 25 सबेस्टियन बेटल का संबंध किस खेल से है, तो मोटर रेसिंग से है। अब देखिए नेक्स्ट सेट के फर्स्ट क्वेश्चन, महेंद्र सिंह धोनी किस राज्य के लिए क्रिकेट खेलते हैं, झारखंड के लिए खेलते हैं। सेकंड देखिए
वैसे ये क्वेश्चंस अलग तरीके से लिखे जाए, किस खेल के लिए, पूरे देश के लिए खेलते हैं, राज पूछता है यहाँ पर, नहीं पूछा ही है राज के लिए, पूछता है इस तरह के महेंद्र सिंह धोनी किस राज्य से संबंधित है, झारखंड होता है, खेलते तो पूरे देश के लिए है। सेकेंड देखिए, सनी डेज के लेखक कौन है, सुनील गावस्कर हैं। थर्ड देखिए, लोकसभा अध्यक्ष 2021 में कौन है, ओम बिरला जी हैं। फोर्थ देखिए, जादूगोड़ा किस धातु के भंडार के लिए विश्व प्रसिद्ध है, यूरेनियम के भंडार के लिए विश्व प्रसिद्ध है। फाइव देखिए, किस देश को संयुक्त राष्ट्र के 191 सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, पूर्वी तिमोर को शामिल किया गया है। सिक्स देखिए, श्री भैरव सिंह शेखावत से ठीक पहले भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे, कृष्णकांत थे। क्वेश्चन सेवन देखिए, किनकी समाधि का नाम शक्ति स्थल है, इंदिरा गांधी के समाधि का नाम शक्ति स्थल है। एट देखिए, नामीबिया किस महादेश में है, अफ्रीका महादेश में है। क्वेश्चन नाइन देखिए, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी हैं। क्वेश्चन देखिए टेंथ, किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, बिहार क्या है। क्वेश्चन इलेवन देखिए, किस भारतीय विकेट कीपर ने एक दिवसीय क्रिकेट की एक पारी में सर्वाधिक रन बनाए हैं, तो महेंद्र सिंह धोनी हैं ये विकेट कीपर। ट्वेल्थ देखिए, प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में है, गुजरात में है। थर्टीन देखिए, राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है, तो ये होता है देखिए यहाँ पर 5 लाख हो गया, 5 लाख आंसर हो जाएगा। 14 देखिए, अर्जेंटीना किस महादेश में है, दक्षिण अमेरिका में है। 15 देखिए, किस राजनीतिक दल ने अपनी स्थापना के 38वां वर्ष 2018 में पूरा किए थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में 38वां वर्ष पूरा किए थे। वैसे इसकी स्थापना की बात करते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप लोग हर साल जोड़ सकते हैं, 1980 में हुआ था भारतीय जनता पार्टी का। देखिए 16, फिल्म गज गामनी के निर्देशन किसने किया था, तो M.F. हुसैन ने किया था। क्वेश्चन 17 देखिए, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है, यदि विटामिन के की कमी है आपके अंदर तो कहीं कट जाएगा तो खून बंद होगा नहीं। 18 देखिए, किस राज्य की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, अरुणाचल प्रदेश आंसर हो जाएगा। 19 देखिए, उत्तरांचल के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो नित्यानंद स्वामी थे। 20 देखिए, 22वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ खेला जाएगा, यानी 2022 वाला पूछा गया, बर्मिंघम इंग्लैंड में खेला जाएगा। 21 देखिए, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, जकार्ता हो जाएगा। 22 देखिए, पुराण कितने हैं, तो 18 हैं। 23 देखिए, मतदाता के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होना चाहिए। 24 देखिए, 67वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में चुनी गई सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी, तो छिछोरा थी, अभी वर्तमान में मिला है 2021 में। 25 देखिए, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, 31 मई को मनाया जाता है। अब देखिए ये सेट 16 है। फर्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है। क्वेश्चन सेकंड देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड, अलाउद्दीन खिलजी किसे हराकर गद्दी पर बैठे थे, तो जलाउद्दीन खिलजी को हराकर गद्दी पर बैठे थे। क्वेश्चन फोर देखिए, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था, तो ये राजस्थान में नागौर में किया था। फाइव देखिए, कोणार्क मंदिर किस देवता से संबंधित है, सूर्य देवता को समर्पित है। सिक्स देखिए, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है, 1/10 होता है। सेवन देखिए, राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। क्वेश्चन एट देखिए, नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। क्वेश्चन नाइन देखिए, किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है, तो पामीर क्षेत्र को निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन देखिए टेंथ, राजस्थान का इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकलता है, सतलज और ब्यास नदी से निकलता है। भारतीय मानक समय किस देशांतर पर लिया गया है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। 12 देखिए, कापार्ट का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। 13 देखिए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का स्थापना कब किया गया था, 12 अप्रैल 1988 में किया गया था। 14 देखिए, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है, तो ये मुंबई में है। 15 देखिए, पुस्तक बैंक ऑफ पालमपुर के लेखक कौन है, तो वेद माथुर है। क्वेश्चन 16 देखिए, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। 17 देखिए, कॉमिनियल
कॉम्यूनियल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो रैमजो मैकडोनाल्ड के द्वारा प्रस्तुत किया गया। 18 देखिए, सन 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ किया गया था, सिंगापुर में किया गया था। 19 देखिए, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, ध्यानचंद्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20, फीफा कप किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल खेल से संबंधित है। 21 देखिए, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है, हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है। 22 देखिए, किसकी कमी से घेंघा रोग होता है, आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देखिए, सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र मिला था, योगेंद्र सिंह यादव को मिला था। क्वेश्चन 24 देखिए, कवि प्रदीप का वास्तविक नाम क्या है, रामचंद्र द्विवेदी है। 25 देखिए, अल्टो कार किस कंपनी द्वारा बनाया जाता है, मारुति द्वारा बनाया जाता है। अब नेक्स्ट शीट 17, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे, 24 तीर्थंकर हुए थे। सेकंड देखिए, शाहजहाँ के बचपन का क्या नाम था, खुर्रम था। क्वेश्चन 3 देखिए, पिग्मी जनजाति किस देश में पाया जाता है, कांगो बेसिन में पाया जाता है। 4 देखिए, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। 5 देखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। 6 देखिए, निम्न में से कौन सा अभयारण्य गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा जो है एक गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। 7 देखिए, एड्स किससे फैलता है, वायरस यानी विषाणु के द्वारा फैलता है। 8 देखिए, ताजमहल किस पत्थर से बना है, संगमरमर से बना है। 9 देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। 10 देखिए, कथकली किस राज्य का नृत्य है, केरल राज्य का नृत्य है। 11 देखिए, पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है, मंगल और शुक्र ग्रहों के बीच स्थित है। 12 देखिए, पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा जी हैं। 13 देखिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर स्थित है। 14 देखिए, डेविस कप का संबंध किस खेल से है, लॉन टेनिस से संबंधित है। 15 देखिए, महाभारत का मौलिक नाम क्या है, तो जय संहिता हो जाएगा। 16 देखिए, मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था, 1526 में हुआ था। 17 देखिए, भारत का पहला आणविक केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है, तारापुर में स्थापित हुआ है। 18 देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक गाइड के लेखक कौन है, तो ये है आर के नारायण। क्वेश्चन 19 देखिए, टोडा जनजाति किस राज्य में पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है। 20 देखिए, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय को पोस्ट डेटेड चेक कहकर ठुकरा दिया था, क्रिप्स मिशन को, किस निर्णय को, तो ये क्रिप्स मिशन के तहत इसको पोस्ट डेटेड चेक कहकर ठुकरा दिया था। अब देखें नेक्स्ट 21, भारत में श्वेत क्रांति के प्रथम चरण का प्रारंभ हुआ था, 1970 में हुआ था। 22 देखें, उड़ीसा जो है बिहार से कब पृथक हुआ था, 1936 में पृथक हुआ था। 23 देखें, नेत्रदान में रोगी में प्रतिरोपण किया जाता है, केवल कार्निया का मतलब डोनेट किया जाता है। 24 देखें, किस केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। 25 देखें, केरल के बाद सर्वाधिक साक्षरता राज्य कौन सा है, साक्षरता वाला राज्य, तो मिजोरम है। अब देखिए सेट 18 के फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व के कितने देशों की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है, तो 2 है, चाइना और भारत, इसकी जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। सेकंड देखिए, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। थर्ड देखिए, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, श्री कृष्ण सिंह है। 4 देखिए, मैक्सिम गोरकी की कृति मदर मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी, तो रूसी भाषा में लिखी गई थी। 5 देखिए, महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुआ था, 1948 में हुआ था। क्वेश्चन 6 देखिए, मेरा खाता भाग्य विधाता यह नारा किस योजना से संबंधित है, जनधन योजना से संबंधित है। 7 देखिए, कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में है, तमिलनाडु में है। 8 देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितना हो गया है, तो देखिए 7.5 लाख रुपया हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला दूसरा भारतीय क्रिकेटर कौन है, करुण नायर है। 10 देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो देखिए सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सेकंड पे है अटलांटिक महासागर, थर्ड पे है हिंद महासागर, फोर्थ पे है अंटार्कटिक महासागर, याद रखिएगा। 11 देखिए, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, नेपच्यून यानी वरुण है। 12 देखिए, देश के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, नीलम संजीव रेड्डी हैं। 13 देखिए,
बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा तानसेन पुरस्कार दिया जाता है? मध्य प्रदेश राज्य द्वारा तानसेन पुरस्कार दिया जाता है। 15 देखिए, टर्की किस महादेश में है? यूरोप महादेश में स्थित है। 16 देखिए, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर है। 17 देखिए, बंदरगाहों की उच्च स्तरीय बनाने के लिए कौन सी योजना है? तो सागरमाला परियोजना है। 18 देखिए, 23वां विश्व कप क्रिकेट 2023 का आयोजन कहाँ होगा? भारत, अपना देश भारत में होगा। 19 देखिए, सेंट्रल राइस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? कटक में है। 20 देखिए, लोकसभा के लिए राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? लोकसभा के लिए तो 2 और राज्यसभा के लिए 12, इस तरह 14। 21 देखिए, पंडित प्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो बांसुरी से है। 22 देखिए, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पाटलिपुत्रा में किया गया था। प्रथम राजगिरी में हुआ था, सेकंड वैशाली में, और जो फोर्थ था कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, ये याद रखिएगा। 23 देखिए, निम्न में से किसकी दुर्घटना में कल्पना चावला की मौत हुआ था? किस यान में? कोलंबिया यान के तहत हुआ था। किसकी दुर्घटना में? 24 देखिए, अंसा किस देश का समाचार एजेंसी है? इटली की है। 25 देखिए, धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास 2018 में भारत के किस देश के साथ युद्धाभ्यास हुआ था? जापान के साथ हुआ था, धर्म गार्जियन। देखिए, ये प्रैक्टिस सेट 19 के फर्स्ट क्वेश्चन। केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव की राजधानी कहाँ है? देखिए, अब आपके इस तरह नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि क्या हुआ है ना कि दादर और नगर हवेली और दमन और दीव को मर्ज कर दिया गया है एक में, तो इनका राजधानी हो गया है, अब दमन मारिएगा, दोनों एक में इंक्लूड आएगा, ठीक है, इसको अपडेट कर लीजिएगा। सेकंड देखिए, भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है। थर्ड देखिए, राम सिंह का संबंध किस आंदोलन से है? कुक्का आंदोलन से संबंधित है। फोर्थ देखिए, जहांगीर ने सिखों के किस गुरु को फांसी की सजा दी थी? तो गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी। 5 देखिए, विश्व कप क्रिकेट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टेस्ट दर्जा रहित टीम है? तो केन्या है। 6 देखिए, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो मोहन बगान है। 7 देखिए, सेल वन नामक मोबाइल सेवा किस कंपनी द्वारा प्रदान की जा रही है? तो BSNL द्वारा प्रदान किया जा रहा है। 8 देखिए, पथिक किसकी रचना है? तो ये है जयशंकर प्रसाद के। 9 देखिए, रघुवर दास किस राज्य के मुख्यमंत्री है? तो ये हैं झारखंड के। अभी देखिए, ये मुख्यमंत्री हैं, ये तो अभी वर्तमान में हेमंत सोरेन जो हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, इसे अपडेट कर लीजिएगा। 10 देखिए, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। 11 देखिए, बेस्ट बेकरी हत्याकांड किस राज्य में हुआ था? गुजरात में हुआ था। क्वेश्चन 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना निर्माण है? तो अजंता की गुफाएं सबसे पुराना निर्माण है। 13 देखिए, विवादित स्थल राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस जिला अंतर्गत था, और नाम परिवर्तन से पहले क्या था? तो फैजाबाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 लड़ाकू विमान काफ़ी ऊंचाई पर क्यों उड़ते हैं? तो देखिए, रडार की परिधियों से दूर रहने के लिए उड़ते हैं। 15 देखिए, बर्फ का पानी में परिवर्तित होना कौन सा परिवर्तन है? बर्फ का पानी में परिवर्तन होना भौतिक परिवर्तन है। 16 देखिए, कौन सा समूह भारत के पर्यटन और होटल उद्योग को बढ़ावा देता है? कौन सा समूह? तो ITDC जो है, जो भारत के पर्यटन और होटल उद्योग को बढ़ावा देता है। 17 देखिए, भारत में राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? तो अप्रत्यक्ष कर जो है, सबसे बड़ा स्रोत कौन है? जो अप्रत्यक्ष कर है, ये सबसे बड़ा राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। 18 देखिए, जॉर्डन की राजधानी क्या है? आसमान हो जाएगा। 19 देखिए, हार्प किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? आयरलैंड का है। 20 देखिए, गोल्ड कोस्ट किस देश का पुराना नाम है? घाना का पुराना नाम है। 21 देखिए, कमल किसका प्रतीक है? सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। 22 देखिए, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम नेत्रहीन कौन था? एरिक बिन मेयर था। 23 देखिए, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। अब देखिए, 24 फोटोमीटर क्या मापता है? प्रकाश की चमक शक्ति को नापता है। 25 देखिए, प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कोलकाता में। अब देखिए, ये प्रैक्टिस सेट 20 के फर्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण एशियाई सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितना है? 8 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डियर मनी का अर्थ क्या है? तो ब्याज की ऊंच दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4,
मेजर स्क्वायर कहाँ अवस्थित है? तो बेथलहेम में है। क्वेश्चन फाइव देखिए, सम्राट जॉर्ज पंचम किस देश के थे? इंग्लैंड के थे। सिक्स देखिए, ध्यानचंद का संबंध किस खेल से था? हॉकी से था। सेवन देखिए, हिंदू धारावाहिक रामायण के निर्माता थे? रामानंद सागर थे। एट देखिए, दिल्ली में विजया घाट में किनकी समाधि है? लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है। नाइन देखिए, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 14 फरवरी को मनाया जाता है। टेन देखिए, जेम्स पी एलिसन को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2018 में दिया गया था? तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। क्वेश्चन इलेवन देखिए, किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ था? तो क्रिकेट का हुआ था। ट्वेल्व देखिए, खगोलीय पिंड संबंधित ज्ञान को कहते हैं? खगोल विद्या कहते हैं। थर्टीन देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। 14 देखिए, हॉलैंड की मुद्रा क्या है? तो गिल्डर है। 15 देखिए, महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? पल्लवों ने कराया था। 16 देखिए, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो ब्राजील है। 17 देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का है क्या है? एक उपग्रह है। 18 देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। 19 देखिए, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार में कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है? तो देखिए, ये संपत्ति रखने का स्वतंत्रता शामिल नहीं है, ये कानूनी अधिकार में रखा गया है। 20 देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था? 1761 में हुआ था। अब बात करते हैं, पहला कब हुआ था? 1526 में, दूसरा 1556 में, याद रखिएगा। 21 देखिए, तमस किसकी रचना है? भीष्म साहनी की है। 22 देखिए, निम्न में से कौन संसद का अंग नहीं है? तो देखिए, लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, ये तो है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये अंग नहीं है। 23 देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। 24 देखिए, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। 25 देखिए, बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान है। अब देखिए, ये नेक्स्ट पार्ट के जो सेट है उसके फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में अधिकांश मिट्टी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। सेकंड देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो 1984 में किया गया था। क्वेश्चन थर्ड देखिए, किस जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है? तो ये गोल्फ स्ट्रीम को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। फोर्थ देखिए, निम्न में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को दो बार पार करती है? कौन सी नदी पूछा गया विषुवत रेखा? तो कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को दो बार ये पार करती है। फाइव देखिए, लूनर झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन सिक्स देखिए, मानुषी छिल्लर किस वर्ष मिस वर्ल्ड बनी थी? 2017 में बनी थी। सेवन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? यानी IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। एट देखिए, केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ है? शिमला में है। क्वेश्चन नाइन देखिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन टेन देखिए, दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। पहला कौन है? तो बिहार है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला। 11 देखिए, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का है। 12 देखिए, ईरान के संसद का क्या नाम है? तो मजलिस है। 13 देखिए, अश्वघोष किस राजा के दरबारी थे? तो कनिष्क के दरबारी थे। 14 देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1896 में हुआ था। 15 देखिए, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त हैं। 16 देखिए, PC कल्चर का संबंध किसके उत्पादन से है? मत्स्य यानी मछली उत्पादन से संबंधित है। 17 देखिए, तातिंदा तायोबू किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं? जिम्बाब्वे के हैं। 18 देखिए, सातवें विश्व सैन्य खेल 2019 भारत के किस शहर में आयोजित होंगे? तो ये वुहान सिटी में होंगे। किस शहर में होंगे? तो ये वुहान सिटी में होंगे। 19 देखिए, भारत के मैग्ना कार्ट संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है। 20 देखिए, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। 21 देखिए, प्रथम आधुनिक के ओलंपिक्स किस शहर में आयोजित होंगे? तो यूनान के एथेंस शहर में आयोजित हुआ था प्रथम आधुनिक ओलंपिक्स। 22 देखिए, जलियांवाला बाग में गोली चलाने वाले जनरल थे? तो जनरल डायर थे। 23 देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1974 में हुआ था। 24 देखिए,
कैलामिन किस तत्व का प्रमुख अयस्क है? जिंक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25, मेगास्थनीज किसके काल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। अब देखिए नेक्स्ट सेट के ये 22 है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कौटिल्य कहाँ के ब्राह्मण थे? तक्षशिला के ब्राह्मण थे। सेकंड देखिए कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं का वर्णन करती है? कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की? तो चंद्रगुप्त शासक की सफलताओं के वर्णन करती है। थर्ड देखिए राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो है कलहण। फोर्थ देखिए कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में है। फाइव देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो उषा मेहता ने प्रसारण किया था। सिक्स देखिए महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था फर्स्ट में। सेवन देखिए कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य कब घोषित किया था? 1929 में किया था। एट देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। क्वेश्चन नाइन देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। टेन देखिए कोई विधेयक धन विधेयक है या कौन निर्धारित करता है? लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करते हैं। इलेवन देखिए दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन द्वारा हुआ? 52वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ। ट्वेल्व देखिए स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। 13 देखिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। 14 देखिए थारू लोगों का निवास है उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में निवास है। 15 देखिए लैंड्स ऑफ राइजिंग सन के नाम से किसे जाना जाता है? जापान को कहते हैं, उगता हुआ सूरज के देश के नाम से जानते हैं। 16 देखिए जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्सू द्वीप है। 17 देखिए इंदिरा गांधी सर किस नदी से निकलती है? सतलज नदी से निकलती है। 18 देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में है। 19 देखिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। 20 देखिए हरा चूना किसे कहा जाता है? चाय को कहा जाता है। 21 देखिए किस राज्य में बैंकों का सर्वाधिक शाखाएँ हैं? उत्तर प्रदेश में है। 22 देखिए क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितना होता है? 27 इंच होता है। 23 देखिए पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया था? 5 जनवरी 1971 को खेला गया था प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच। 24 देखिए योग सूत्र के रचनाकार कौन है? पतंजलि हैं। 25 देखिए आर.एन. मल्होत्रा समिति का संबंध किस क्षेत्र से? बीमा क्षेत्र से संबंधित है। अब देखिए ये सेट नंबर 23। आर.के. लक्ष्मण है एक कार्टूनिस्ट है। सेकेंड देखिए ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है ऑस्कर पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कह रहा है लोकसभा कार्यवाहियों के अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कह रहा है पेस एवं विभूति किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है टेनिस से। क्वेश्चन 5 देखिए वर्ष 2019 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे? तो देखिए 2019 का पूछा गया है तो उस टाइम साइरिल रामफोसा थे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति। लेकिन बात करते हैं 2021 में कौन थे? तो देखिए ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन थे लेकिन ये कोविड की वजह से नहीं आए थे, इस तरफ पूछा जा सकता है। 6 देखिए जवाहर रोजगार योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण रोजगार से संबंधित है। 7 देखिए इसरो संबंधित है तो अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित है। 8 देखिए म्यांमार का पुराना नाम क्या है? तो बर्मा है। क्वेश्चन 9 देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो अमृता प्रीतम थी। क्वेश्चन 10 देखिए ऋतु संहार किनकी कृति है? तो कालिदास की है। क्वेश्चन 11 देखिए सबसे कम उम्र में 100 टेस्ट क्रिकेट मैच खेलने वाले कौन है? सचिन तेंदुलकर है। क्वेश्चन 12 देखिए वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नौकायान से संबंधित है। क्वेश्चन 13 देखिए बांग्लादेश के संसद का क्या नाम है? तो जातीय संसद है। क्वेश्चन 14 देखिए सबसे तेज किस समाचार चैनल का विज्ञापन पंक्ति है? तो आज तक का है। क्वेश्चन 15 देखिए नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किसमें उल्लेखित है? तो कठो उपनिषद में उल्लेखित है। क्वेश्चन 16 देखिए पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो काका साहब कालेकर थे। क्वेश्चन 17 देखिए समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? 47 विषय हैं। क्वेश्चन 18 देखिए चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया था? शेर शाह सूरी ने चलाया था।
19 देखिए, जय संहिता निम्न में से किसका पुराना नाम है? महाभारत का पुराना नाम है। 20 देखिए, यंग इंडिया समाचार पत्र के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी थे। 21 देखिए, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता है। क्वेश्चन 22 देखिए, भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? सीके नायडू थे। क्वेश्चन 23 देखिए, पथिक किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी का है। 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दलहनी फसल नहीं है? तोरिया जो है ये दलहनी नहीं है, मूंग लेबिया मटर ये सभी है। 25 देखिए, अश्कर्बी बीमारी है तो दांत एवं मसूड़ों की बीमारी है। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में पार्ट टू जब हम लाएंगे तो उसमें बाकी जो शेष बच रहा है, देखिए टोटल 34 प्रैक्टिस सेट था जिसमें हम लोग 23 देख लिए, बाकी जो 11 सेट बच रहा है उसको पार्ट टू में आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप इजीली इसे वॉच कर सकते हैं। क्योंकि देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं कोशिश करने वाला था कि इसमें कंप्लीट करा दूं, लेकिन नहीं हो पाएगा, काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो आप लोग भी बोरिंग समझेंगे इधर आकर, तो इसलिए मैं पार्ट टू में बाकी जो क्वेश्चन बच रहा है उसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जल्दी ही प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद साइंस का क्वेश्चन आएगा, फिर मैथ्स का आएगा। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।